हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आटे का अदरक कुछ बना रही हूँ, जिसमें मैंने कढ़ाई में ऑयल ऐड कर दिया है। अभी ऑयल गर्म हो रहा है, इसमें अब जीरा डाल देते हैं। अब इसमें जीरा डालते हैं, जीरा, इसमें हल्दी मिक्स कर दी। अब इसमें लाल मिर्ची भी ऐड करेंगे, हरी मिर्ची ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से भूनते हैं। अब इसमें पानी ऐड कर दिया है, जैसे एक कप आते हैं मैंने 3-3.5 कप पानी डाला है। अब इस पानी को थोड़ा खदकने देंगे, क्योंकि ये मैं आटे का, गेहूँ के आटे का खीच बना रही हूँ। अब ये आटा अच्छे, ये पानी अच्छे से खदक रहा है। ये अब इसमें नमक ऐड किया है, नमक आप स्वाद के अनुसार ऐड करिएगा। अब इसको अच्छे से मैश कर दिया है, सारा पानी अच्छे से चला दिया है, जिससे सारा मसाला इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अब इसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं, क्योंकि गेहूँ के आटे में खीच में बनाते हैं तो उसमें बेकिंग पाउडर डालना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो अच्छा नहीं बनता है। अब इसमें गेहूँ का आटा इसमें मिला दिया है। अच्छे से इसको अपन चलाएंगे, जिससे बबल्स वगैरह ना पड़ जाए। अच्छे से इसे मैश करेंगे, ये देखिए, इसमें अच्छे से इसको मैश करते हैं। जो खाने में ये खीच आटे का खीच है, बट ये खाने में काफ़ी अच्छा और बहुत ही बढ़िया लगता है, और बहुत आसान तरीके से बनके रेडी हो जाता है। बस 5-6 मिनट लगते हैं इसको बनने में। ये कभी कभी मन करता है तो इसको सिंपल तरीके से बनाओ और अच्छे तरीके से हल्का, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है। बट ये सरसों के तेल में, इसको जब अपन खाते हैं तो उसको सरसों के तेल ऊपर से डालकर ही खाएं तो काफ़ी अच्छा लगता है। बट बहुत से लोग इसे घी के संग खाते हैं, जितना सरसों के तेल के साथ अच्छा लगता है तब वो घी के साथ अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए, अब ये 5 मिनट के लिए, 5 मिनट वेट कर सकते हैं इसका, जिससे अच्छे से इसमें आटा एब्जॉर्ब हो जाएगा मसाले के अंदर, काफ़ी टेस्टी लगेगा। अब इसमें बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें गार्निश के लिए हरा धनिया ऐड कर दिया है, फ्रेश हरा धनिया ऐड कर दिया है। अब इसको प्लेटों के अंदर सर्व कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सर्व करेंगे, और आप देखेंगे कि आप देख सकते हैं इसमें सरसों का तेल ऊपर से लगाएंगे तो वो काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। हमने 2 प्लेट ले ली हैं, अब उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर सर्व करेंगे अच्छे से दोनों प्लेटों के अंदर। अब इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल भी अभी लगाएंगे, सरसों का ऑयल लगाते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें चम्मच में ले लिए हैं, स्पून में ले लिया है मस्टर्ड ऑयल, और इसको ऊपर से डालेंगे तो ये काफ़ी बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप भी इस तरीके से बना बनाए के खाइएगा। थैंक यू।